भोजपुरी में भेड़ चाल जो कहावत है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि रसोड़े में कौन था, कोकिला बेन का जो एक मीम फेमस हुआ था और ये बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया। खुद सीरियल साथिया के जितने भी कैरेक्टर थे उन लोगों ने भी इसे बहुत इंजॉय किया। लेकिन अब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ट्रेंड का फ़ायदा कैसे उठाती है आप देख लीजिए। गाने को पहले भोजपुरी के दो कलाकारों ने, कौन था, रितेश पांडे लेकर आए और फिर उसके बाद अंकुश राजा का गाना आया और फिर उसके बाद अब खेसारी लाल यादव का गाना। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का गाना भी आ गया है, पति रहे दूर रजाई में कुकुर था। जी हाँ, ये गाना आपने देखा होगा आज ही आदि शक्ति से रिलीज़ हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो रहा है। 7 घंटे में 1.2 मिलियन व्यूज़ हासिल किया है इस गाने की। रितेश का गाना अगर किसी ने सुना होगा तो वो ये बता सकता है कि गाने में तो बहुत ज़्यादा दम है, क्योंकि उस गाने को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। वो गाना अमूमन हिंदी सॉन्ग है। खैर, हम आपको ये भी बता दें कि अब ऐसी अफवाह उड़ रही है कि पवन सिंह भी एक गाना गा रहे हैं और उस गाने का नाम है लिपस्टिक लगाने वाला कौन था। जी हाँ, ये इस गाने का नाम है लिपस्टिक लगाने वाला कौन था। तो अभी तक आपने देखा होगा, अगर आप पवन सिंह के फैंस हैं तो आपने ये महसूस किया होगा कि पवन सिंह कभी भी किसी चीज़ की कॉपी नहीं करते, या यूँ कह लें कि देखा देखी नहीं करते कि अगर सामने वाले ने गाया है या गाना ट्रेंडिंग में है तो उस पर वो भी गा दें। जी नहीं, उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया है। तो ये गाने का जो भी पोस्टर आ रहा है वो टोटली फेक है पोस्टर, और ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई गाना भी नहीं आ रहा है। और अगर आता तो वो पवन सिंह अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल या पवन सिंह के कुछ फैंस द्वारा बनाया गया है, उनका जो सोशल मीडिया के कुछ पेजेस है उस पर ज़रूर ये बात आती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और पर्सनली अगर हमने भी बात करके देखी तो ऐसा कुछ कहीं से कोई बात ही नहीं है कि पवन सिंह ऐसा कोई गाना लेकर आ रहे हैं। तो अगर ऐसे गानों की अफवाह है तो आप ये समझ जाइए टोटली फेक है, अभी तक ऐसा कोई गाना नहीं आ रहा है। हाँ, पवन सिंह के जो भी गाने हैं ऑल रिकॉर्ड हो चुके हैं और सबकी, पवन सिंह ने शूटिंग भी कंप्लीट कर ली है और इन दिनों वो अपनी फिल्म चांदनी की शूटिंग कर रहे हैं। तो जितने उनके 9 गाने आने हैं जिसमें से 2 ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी 7 गाने आने बाकी हैं, उन 7ों की पवन सिंह ने शूटिंग कर ली है। तो आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह के जितने भी गाने हैं वो अभी आने वाले हैं, ऐसा कोई गाना नहीं है। अगर होता तो पवन सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पे या जिस भी सोशल मीडिया साइट से वो चाहते तो ये गाने के लिए वो एक बार तो ज़रूर प्रमोशन करते। तो ये गाना फेक है, पोस्टर फेक है। अगर आपको कोई कहे तो आप समझ जाइएगा कि ऐसा कोई गाना नहीं आ रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।